तुम तो सारे के सारे फिल फेंक दोगे। ओ सॉरी, लेकिन मेरे पास माँ है, मतलब माँ तो है, मैं लाइन भूल गया। अरे सैड मुझे चला दिया एडिटर ने, अबे सैड म्यूजिक बंद कर दे। भाई तुम क्या जा रहे हो, मैंने एक 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 बड़ी मेहनत से संभाल कर रखा भाई साहब। तो चले फ्रेंड्स फटाफट काम शुरू करते हैं, तू सीधा हो जा बेटा। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम न्यू आइडिया लेकर आए भाई, हम ऑल आउट निकल गया, ऑल आउट रिवील से हम बनाएंगे दो डीसी मोटर। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, प्लीज दोस्तों बन रहिएगा, मजा आता है मक्की तरह हाथ मलने में। चलिए समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई फिलहाल इनमें से हम कोई भी एक ले लेंगे। हाँ देखिए, और भाई इसके अंदर की जो देख सकते हो जो रोड होती है वो मैंने निकाल ली, उसकी कोई भी महत्वपूर्ण आवश्यकता और ये बात की मैं आपको जानकारी दे दूँ, खैर छोड़ो ज़्यादा नहीं होगी, मैं इसे निकाल लेता हूँ। अच्छा देखिए, तो भाई हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, देखिए ये खाली चाहिए। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक स्पोक जो कि साइकिल की तिल्ली भी कहते हैं, व्हील में लगती है, रिंग में लगती है, देखिए इस तरीके से। और भाई जितनी लंबी आपको शाफ्ट रखनी हो आप रख सकते हो, फिलहाल मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही ले रहा हूँ जिससे बाद में चाहे कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे अप्रोक्स इतनी, आप ज़्यादा भी ले सकते हो चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों प्रॉपरली यहाँ लगानी पड़ेगी, फिर सब मजाक उड़ाएंगे, तो भाई कम ही ले लो, इतनी ले लेते। तो भाई अगर देखा जाए तो मैं ले रहा हूँ 4 इंचेस, 4 इंच, और भाई इसे काट देते हैं, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो भाई से रिफिल लेना है, उसे टेढ़ा करना है, और अप्रोक्स चलो मैं इतना ऊंचाई पर लगा ले रहा हूँ बाबा, और इतना बहुत से। तो भाई यहाँ पर अप्रोक्स 15 mm का मैंने देखिए गैप देखो मार्क लगा दिया है, और नीचे देखा जाए तो अप्रोक्स यहाँ पर 10 mm का गैप दिया है। यहाँ पर मैंने इसलिए कम गैप दिया क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें लगेंगी, और अभी मैं आपको बताता रहूँगा, प्लीज़ बन रही है। अब यहाँ पर मैं यूज़ करने वाले हैं भाई, बेफिक्र रहिए, इन दो में से कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ये स्क्रू है, ये बोल्ट है। भाई हर जगह ये बोल्ट नहीं मिल पाते, इसलिए फ्रेंड्स मैं स्क्रू का आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप इन दो में से कोई भी लगा सकते हो, इस काफ़ी अच्छा काम करेंगे। लेकिन भाई मैं स्क्रू ना लगा के अभी फिलहाल मेरे पास बोल्ट है तो मैं बोल्ट का यूज़ करूँगा। अब इन 6 बोल्ट को हमें इस पर चिपकाना है 3 3 120 डिग्री के एंगल पर, 3 इधर और 3 इधर। भाई चिपका सकते हो शुरू में कि फ्रेंड्स वो टूट जाएंगे, तो भाई हमें मजबूत टिकाऊ और सस्ता जुगाड़ देख रहे हैं, तो भाई हम सबसे बड़े क्या करेंगे, हम इस पर सोल्डिंग ही कर देंगे। तो लीजिए भाई साहब, इस पर मैंने सोल्डिंग कर दी, इतनी मुश्किल से सोल्डिंग हुई है भाई साहब, एक लगाऊं तो दूसरे निकल जाए, अब दूसरे हो तो तीसरे, फिर भी भाई आप जानते हो आदमी मेहनत करे कभी ना कभी तो वो जीतेगा। लेकिन फ्रेंड्स अभी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग तो बहुत है, देखिए जैसे मैं पकड़ रहा हूँ हिल नहीं रहे बिल्कुल भी, तो अभी और मजबूती पर हमें प्रदान करनी है, ठीक है, मतलब प्रदान करनी है। और भाई जैसे कि आप जानते हो हम तो कमजोरी सॉरी हम तो मजबूती की मिसाल है, तो भाई हम फटाफट यूज़ करेंगे एरलटाइट, निकल जा। तो लीजिए भाई ये लग चुका है, और अब इसे कम से कम 4-5 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देते हैं डायरेक्ट सनलाइट में। तो लीजिए फ्रेंड्स ये सूख चुका है, लगभग 4-5 घंटे हो चुके हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी भाई ये नहीं टूटेगा, बहुत मजबूत तरीके से हमने सोल्डिंग कर दिया और चिपका भी दिया। अब यहाँ पे मैं एक कॉपर का वायर ले रहा हूँ, और भाई इसकी गेज दिखाना चाहूँगा कितना गेज का है, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स ये 0.51 mm यानी कि अप्रोक्स 25 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी कि ये है 25 नंबर का कह सकते हो, और आप 26 का ला सकते हो, 28 का ला सकते हो, जितना ज़्यादा आप लोगों उतना तार बारीक यानी कि पतला आएगा। चलिए दोस्त लपेटना शुरू करते हैं। तो भाई ऐसे लिया, एक बार को आप थोड़ा सा पहली भाग निकाल देना इस तरीके से, और बस भाई लपेटना स्टार्ट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। चलिए भाई मैंने 40 टन दे दिए हैं, 40 टन इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ से आपको थोड़ा सा बस इस तरह से मिला कर रखो, थोड़ा सा यहाँ से बल लगाते हैं, इसके बाद बस निकाल दो, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लीजिए भाई ये हो गया सब 40 टन, यहाँ से काट लो 40 टन मैंने इसमें लगाए हैं, देखिए इस तरीके से, और काफ़ी अच्छे से बिल्कुल फिट भी बैठे हैं, और भाई इन्हें अच्छे से लपेट देते हैं, और ये कहीं भागे नहीं वायर घूमते तो इन पर स्टील डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी। तो फ्रेंड्स ये बन चुका है इसका आर्मेचर, अब इसका बनाते हैं कम्यूटेटर। तो भाई देखिए ऊपर जो दोस्तों से जो टर्मिनल लगाएंगे हम यहाँ पर,
तो भाई इसका जुगाड़ देख रहे हैं, इसको भी हम जुगाड़ से ही बनाएंगे। तो कम्यूटेटर बनाने के लिए मैं एक पेपर टेप का यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो दोस्त पीवीसी टेप का भी यूज कर सकते हो, फिलहाल मिल सकते हैं साइड में और इसका यूज करते हैं। कहाँ गए भाई छोर, तेरी और तेरी और। तो लीजिए भाई मैंने काफ़ी मोटा इस पर टेप लगा दिया है, देखिए अप्रोक्स 5 mm होगा ये, देख सकते हो लगभग। यहाँ पर ले रहे हैं भाई कनस्तर की पत्ती, मस्त कनस्तर की, इतनी बड़ी तो काम नहीं आने वाली, खरीद सकते हैं साइड में। तो भाई मैंने छोटा सा उसका पीस कट कर लिया, देख सकते हो आप, इससे हल्की ले सकते हो, काफ़ी हैवी होती है लेकिन काम अच्छा करेगी, जल्दी से घिसेगी नहीं। 5 mm के मैंने मार्क लगा लिए हैं और मैं इसे कट कर देता हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स ऐसे मैंने 3 पीस तैयार कर दिए, बड़ी मुश्किल से हुई लेकिन भाई काम मजबूत हुआ बिल्कुल देखिए। और इसे मैंने थोड़ा सा टेप को आगे से कट कर दिया था कोना निकालने के लिए, और मैं इस पर थोड़ा सा स्टेप ग्लू डाल देता हूँ जिससे थोड़ा सा सॉलिड हो जाए, और बस अब चिपकाना शुरू कर दो। तो लीजिए गाइस तीनों बन चुका है, और इसका कम्यूटेटर बन चुका है, तैयार हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स अब इन वायर को सीधा 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट सीधा सीधा लगा देंगे। तो भाई पहले इनके जो कोटिंग है वो मैं हटा देता हूँ। तो लीजिए गाइस इस पर मैंने सोल्डिंग कर दिया और इसका आर्मेचर बन गया, बिल्कुल ओके होगा, बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए अब यहाँ पे दोस्त देख सकते हो जो कि जो स्पोक होती है उसे टाइट करने रिंग पर ये पॉइंट मिलते हैं, ये एक तरह के नट हैं इसके, ठीक है, और ये बोल्ट का काम करता है और ये नट का काम करता है। तो मैं इसमें इतना होल कर लूँगा जिससे इसके अंदर चला जाए। देखिए बॉस, देखिए बहुत ही मस्त तरीके से ये काम करा। देखिए भाई ये तो होगा इसका ऊपर का टॉप का, और ये बनेंगे इसके नीचे का। तो ये ज़्यादा लंबा निकाल, इसमें फंस भी रहा है देखिए। तो दोस्त मैं इसे थोड़ा सा कट कर लेता हूँ और उसके बाद इसे बंद कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो लीजिए भाई ये भी बन चुका है, और फ्रेंड्स देखिए ये बैरिंग का काम करेंगे। भाई बैरिंग तो नहीं कह सकते लेकिन ये बुश है, तो बुश का काम करेंगे। देखिए इस तरह दोस्त ये बीच में शाफ्ट घूम जाएगी, देखिए नीचे से और ऊपर से। तो भाई अब आते हैं इसे इसके अंदर फिट करने पर। तो भाई फिट किस तरीके से होगा, तो चलिए फिलहाल इस रखते हैं साइड में और इसका नंबर लेते हैं। तो लीजिए भाई ये हमने कट ही कर लिया है, और एक बार इसे अच्छे साफ कर लें क्योंकि दोस्त में केमिकल भरा होता है अंदर, और हो सकता है फ्रेंड्स पानी ही निकाल लें इसमें से जिससे आपका हाथ में लगा ना रह जाए। भाई यार और तुमने पहली फेंक दी थी इसकी, अब ये ढक्कन भी निकाल कर फेंक देंगे इस तरह का। तो भाई एक नट जो कि हमने कट किया था वो इसके अंदर जो बॉटम में लगा दिया है, और दूसरा देख सकते हो ये मैंने एक पीवीसी पाइप का पीस ले लिया है और इसके अंदर फिक्स करके यहाँ पर चिपका दूँगा। फिलहाल इसे हम फिक्स कर लेते हैं। तो भाई ये ऊपर को ना निकले जब चले, तो मैं इसे निकालता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक टीन कनस्तर का जो है शीट होती है उसका मैंने एक छोटा सा वासा बनाया है और इसके अंदर से फिक्स करूँगा। तो लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने देखिए सोल्डिंग कर दी है, तो भाई अभी कहीं नहीं भागने वाला और बहुत ही मजबूती से टिका रहेगा। ये बॉडी है और इसका मैंने टॉप का पार्ट चिपका दिया है स्टड ग्लू से, और भाई जो देखते हैं देखिए अब ये निकलेगा नहीं, देख रहे हो, वरना ये ऐसे ऊपर को निकल जाता तो अभी ऐसे तरीके से लटका रहेगा। तो अब आते हैं मैग्नेट पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये फेराइट मैग्नेट है जो कि ब्लैक कलर आप देख सकते हो, आप न्यूडी में मैग्नेट भी ले सकते हो चाहो तो, लेकिन फ्रेंड्स मुझे लग रहा भाई क्योंकि देख सकते हो थोड़ा राउंड शेप में, थोड़ा गोल शेप में इसकी बॉडी, तो मैं जो मैग्नेट है यहाँ पर थोड़ी राउंड शेप में यूज़ करनी चाहिए। तो फिलहाल तो दोस्त मेरे पास ये पुराना मोटर है जो कि फ्रेंड्स मेरे पास ख़राब है, और ये काफ़ी पुराना मोटर है, देखो निकल भी नहीं रहा है। ठीक है इसकी मैग्नेट राउंड में इसकी निकालने की कोशिश करते हैं कैसे निकलेंगे। तो भाई इस मैग्नेट को निकालना आई थिंक काफ़ी इजी है, ये मैंने एक स्पोक ले लिया और इसे एल टाइप बना लिया है जो कि लाइफ में एल लगी पड़ी है, और इसकी पिन है, और देखते हैं एक होता है नहीं होता है, हो गया अभी लूडे। देखिए कितनी मोहब्बत से निकल गई, मैं निकल जा निकल गई बस निकल गई। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाएगी। अब तो एक बात और फ्रेंड देखिए, एक नॉर्थ और एक साउथ की तरफ लगी, देखिए ये मिलने नहीं चाहिए, देखिए देखिए ये मिल रहे हैं, लेकिन फेस का देखिए ये रहा, अगर मैं करूँगा देखिए ये मिलेंगे नहीं, इस तरफ से मिल जाएंगे लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे, देख रहे हो
चलो मैं आपको दूसरा नंबर दिखाता हूँ, इससे नहीं समझ में आएगा। जैसे कि देखिए मेरे पास ये फेरेट मैग्नेट है, देखिए अभी ये अच्छी तरह से चिपक नहीं थी, कहीं से आप इसे चिपका सकते हो, लेकिन अगर मैं कहीं से भी इसे छुटाता हूँ और इसे पलटता हूँ मैग्नेट, अब देखिए डायरेक्शन चेंज होगी, नॉर्थ अलग और साउथ अलग देगी। बस फ्रेंड्स यही आपको फॉर्मूला अपनाना है, ये इस तरह लगे दोस्तों, देखो वो मिले नहीं आपस में, इस तरह से आपको इसमें लगाना है। अगर आपके पास मोटर नहीं है और आपके पास ये कुछ इसी तरह मैग्नेट है तो भाई अच्छी तरह से मैंने ग्लूगन से चिपका दिया, देखिए कहीं भी नहीं भागने वाले। और भाई इस आर्मेचर को इसमें लगाते हैं, देखिए, और ये है इसका बॉटम का पार्ट। तो फ्रेंड्स लगाने से पहले इसमें हम कनेक्शन कर दें जो कि इसका ब्रश कहते हैं, यहाँ पर हम ब्रश लगाते हैं या किसी पत्ते जैसे फिलहाल तुमको जुगाड़ी करेंगे जिससे दोस्तों इसमें पावर पहुँचा सकें, सप्लाई पहुँचा सकें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास कॉपर की शीट पड़ी थी तो मैंने इसे काफ़ी और घिसा और इसे थोड़ा सा फ्लेक्सीबल किया, देखिए आराम से इधर उधर हल्की सी हिल सकती है। तो या तो फ्रेंड्स आप चाहो तो जो टीन क्रस्ट होता है इसकी भी ले सकते हैं, देखिए ये भी थोड़ी सी फ्लेक्सीबल होती है काफ़ी ज़्यादा। कॉपर फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा रहता है पावर ट्रांसमिट के लिए, और भाई इसे इसमें फिट कर देंगे। देखिए अब बहुत अच्छी तरह देखिए बिल्कुल मूव कर रहा है, बिल्कुल भी अटक नहीं रहा। तो चले फ्रेंड्स अब इसे फिट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले कटिंग से पहले मार्क लगा दिया था, देखिए बिल्कुल सेम आपको मिला देना है, और इस पर कोई भी टेप लगा सकते हो या इंस्टेंट ग्लू लगा सकते हो। तो लीजिए गाइस मोटर बन का हमारा कंप्लीट हो गया है। चले फ्रेंड्स अब फटाफट इसकी टेस्टिंग पर आते हैं, आप इसके साउंड सुन सकते हो, और मैंने दोस्त थोड़े से नीचे होल कर दिए इससे कि हवा का आदान और प्रदान बना रहे, होने जरूरी है भाई होल इसमें क्योंकि चलते भी हीट होता है। चले फ्रेंड फटाफट टेस्टिंग करते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ, आप वीडियो का देख सकते हो, ये मैंने बनाई है ही। चले फ्रेंड्स मैंने 12 वोल्ट वैसे सेट कर दिए हैं और भाई अब देखते हैं क्या होता है, कितने वोल्ट पर सही चलता है। देखिए वाह इसकी तो फिरक नहीं बन गई, देखिए मुझे कमी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स ये जो शाफ्ट है ना ये थोड़ा इसलिए थोड़ा देखिए थोड़ा सा ज़िगज़ैग है क्योंकि बिल्कुल सीधे तो नहीं आती, पीछे से थोड़ी सी टेढ़ी थी लेकिन काम कर जाएगी। काफ़ी अच्छी इसकी स्पीड है। चलिए दोस्त टेप लगा आपको बताता हूँ। तो भाई टेप लगा दिए, चलिए दोस्त फटाफट से टेस्ट करते हैं। देखिए वाह फ्रेंड स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है, देखिए देखिए, और अभी तो मैं इसे 12 वोल्ट पर सेट कर रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा वोल्ट पर चलाओगे तो काफ़ी स्पीड पर चल जाएगा। देखिए देखिए तो फ्रेंड्स 100% वर्किंग कर, मुझे भाई भरोसा नहीं था कैसे चल जाएगा। फ्रेंड्स एक नया आइडिया था, आई होप आपको अच्छा लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई मुझे भी नहीं पता थी ये इतना अच्छा वर्क करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिले प्लीज़ जो बताए आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच।